हाँ जी बच्चों तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी uh, किया था मोशन ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी और उसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया जैसे कि एंगुलर मोमेंटम की के फॉर्मूले को ड्राइव किया टॉर्क हमने फाइंड किया कैनेटिक एनर्जी फाइंड करी और फिर ये हमने डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी के, के केस में जो एंगुलर मोमेंटम वैक्टर होता है वो एंगुलर विलॉसिटी के अलॉन्ग नहीं होता ठीक है जैसे कि ये मान लो हमारी रिजिड बॉडी है दिस इज एक्सिज ऑफ रोटेशन जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा वेक्टर दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ दिस रिजिड बॉडी मे और मे नॉट बी अलोंग दिस एक्सिस ठीक है अगर ये रिजिड बॉडी में है तो एंगुलर मोमेंटम वैक्टर एल वैक्टर जो है वो इस एक्सिस के साथ ओरिएंट नहीं होता उसके अलोंग नहीं होता कोई ना कोई एंगल थीटा वहां पे बना रहा होता है बट अगर हम प्लेन लेमिना ले लें तो प्लेन लेमिना जैसे डिस्क होती है उसके इसमें ये दोनों वेक्टर्स, ओमेगा वेक्टर और एल वेक्टर, दोनों ही एक्सेज ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं तो आज हम इस एल वेक्टर की रोटेशन को स्टडी करने वाले हैं अबाउट द एक्सेज ऑफ रोटेशन क्योंकि जब ये रिजिड बॉडी घूमेगी ऐसे उसके साथ साथ ये जो एल वेक्टर है ये भी इस तरह से किसी एंगल थीटा पर एक्सेज ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करेगा तो उसी चीज को हम स्टडी करने वाले हैं रोटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैक्टर मीन्स एल वैक्टर अबाउट ए एक फिक्स एक्सेस ठीक है तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे

ये जो दो मासिस हैं अगर ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो तो उस केस में इनका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है बच्चों वो भी घूमता है और उस केस में हमारे पास टॉर्क होता है ठीक है उस चीज को हमने आज इस टॉपिक में स्टडी करना है और इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमने एल वैक्टर को फाइंड करना है एल वैक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम उसका फाइंड करना है ठीक है एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करके टॉर्क भी फाइंड करेंगे तो ये दो चीजें हमें आज के लेक्शन में करनी है तो मैं इस एग्जाम्पल को स्टडी करने वाला हूं दिस इज कॉल्ड ए रिजिड टू पार्टिकल रोटेटर ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो एटम्स होते हैं उनमें एक फिक्स डिस्टेंस होता है और जब हम उनको एनर्जी देते हैं दे स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एक्सेस तो इसलिए ये एग्जाम्पल ली गई है क्योंकि नेचर में इस तरह के सिस्टम हमारे पास बहुत सारे होते हैं ठीक है तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं हम इसका एंगुलर मोमेंटम वैक्टर फाइंड करते हैं लेट अस सी द सिचुएशन क्या सिचुएशन है देखिए तो ये मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं जिसके इसमें मुझे मोमेंटम फाइंड करना है अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस दिस इज माइनस एक्स एक्सिस एंड यहां पे ओरिजिन है हमारा ये हो गया वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस ये जो मैंने अभी रोटेटर बनाया था वो ये रोटेटर है इट इज ओरिएंटेड एट एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस ये दो पार्टिकल्स हो गए एक पार्टिकल मास एम वन का हो गया हमारे पास दूसरा पार्टिकल मास M2 का हो गया एंड अस सपोज एम वन इज इक्वल टू एम टू एम वन इज इक्वल टू एम टू मतलब दोनों एम हैं। तो मैं इनको एम ही लिख देता हूं दिस इज एम एंड दिस इज ऑल्सो एम ओके नाउ द लेंथ ऑफ द रोटेटर ये जो मासलेस रोड है उसकी लेंथ टू ए मान लेते हैं ठीक है तो लेंथ ऑफ रोटेटर इट इज ए रिजिड बॉडी ना इसकी लेंथ है टू ए तो यहां अगर ओरिजन से बनाएंगे तो ए यहां से लेकर यहां तक हो गया और ए ये हो गया उसके बाद बच्चों पोजीशन वेक्टर्स हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजन फॉर मास दिस मास इसको पार्टिकल ए बोल देते हैं पार्टिकल एज आर वन वैक्टर ये मैंने कंसिडर कर लिया और ऐसे ओरिजन से नीचे वाले का पोजिशन वैक्टर हमने ड्रॉ किया दिस इज आर टू वेक्टर अब इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है जब ये आ, ओके अब ये आगे देखते हैं हाँ लेटर सपोज ये जो रेजिडोटेटर है ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट तो आप इसको इमेजिन करिए ठीठा एंगल पर ओरियंटेड है इस तरह से फिक्स है ये ठीटा एंगल पर और एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो जब ये घूमेगा ना पूरी पूरी बॉडी तो ये वाला पार्टिकल जो है ऐसे सर्कल में घूमेगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट एक सर्कल बनेगा लाइक दिस इस तरह से सर्कल में घूमेगा और ये वाला भी जो पार्टिकल है वो भी एक अपने ही सर्कल में यहाँ पे घूमता हुआ नजर आएगा ठीक है इस तरह की ये फिगर बनेगी और जब ये बहुत फास्ट घूमेंगे तो आप यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बना सकते हो इमेजिन करने के लिए कि इस तरह से हमें ये फिगर नजर आएगी ओके अब इनकी जो रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है ओके पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस उसको हम ओमेगा वेक्टर मान लेते हैं ठीक है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये दोनों घूम रहे हैं तो लेट ओमेगा वेक्टर बी द एंगुलर वेलोसिटी ठीक है ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास ऑफ रोटेटर एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है ठीक है देखते हैं एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आता है अभी मुझे नहीं पता लेट अस सी लेट uh, और इसके साथ साथ क्या है आर वन एंड आर टू बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी दिस इज पार्टिकल बी दिस इज पार्टिकल ए इन दोनों के पोजिशन वैक्टर हमने ये लिख दिए ठीक है ओके ना लेटर देखिए दो पार्टिकल्स हैं दोनों का अपना अपना एंग्लोमेंटम लिखेंगे और फिर उनको एड करेंगे तो एल वन वैक्टर क्या होगा ठीक है एल वन वैक्टर इज एंग्लोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए मान लेते हैं हम ठीक है मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं पार्टिकल ए का सिंपल है ठीक है देखिए एंग्लोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी ठीक है तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं आर वन क्रॉस पी वन ये हो जाएगा आर वन क्रॉस मासज एम वी वन वेक्टर ये हो जाएगा आर वन क्रॉस मास ऐसे ही रहेगा और V को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखना हमें क्योंकि मैंने V यहां पर नहीं लिखा कहीं पर पैरामीटर कंसिडर नहीं किया लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में लेके चले जाएंगे तो वेलोसिटी की V की रिलेशन ओमेगा के साथ होती है वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस R ये मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में तो ये एल वन मोमेंटम है फर्स्ट पार्टिकल का ठीक है जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा एक्सक्सेस के अबाउट तो उस केस में इसका ये एंगुलर मोमेंटम रहेगा अबाउट ओरिजन क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है इट इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजन ओके नाउ फॉर पार्टिकल बी सिमिलरली करके हम लिख देंगे कि जो एल टू है वो बन जाएगा आर टू वेक्टर क्रॉस एम ओमेगा क्रॉस आर टू ठीक है ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वन वेक्टर प्लस एल टू वेक्टर ये बन गया आर वन क्रॉस एम ओमेगा क्रॉस आर वन प्लस आर टू क्रॉस एम ओमेगा क्रॉस आर टू वेक्टर दिस इज इक्वेशन वन नाउ आई विल राइट आर वन एंड आर टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा देखिए ए ये लेंथ है आर वन का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और यहां पर एक एंगल थीटा तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो r1 वेक्टर है उसको हम रिसोलव करके लिखेंगे हियर r1 वेक्टर आप ध्यान से देखिए बच्चों इस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा r1 कॉस थीटा r1 कॉस थीटा मतलब a कॉस थीटा तो a कॉस थीटा i कैप प्लस इसका दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग आएगा इस तरफ ठीक है एंड दैट कंपोनेंट इज a साइन थीटा तो ये लिखा जाएगा ए साइन सिमिलरली आर टू वैक्टर आर टू वैक्टर के दो कॉम्पोनेट एक नेगेटिव लाइक दिस और दूसरा नेगेटिव आई के लॉन्ग चला जाएगा तो वो भी इन टर्म्स ऑफ ए लिखना है मुझे तो एक आ जाएगा माइनस ए क्योंकि नेगेटिव एक्सएक्सिस तो माइनस ए कॉस थीटा ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा तो ये थीटा है तो आई कैप माइनस ए

और R1 R2 की जगह इनको सब्सट्यूट करेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट तो जो L वेक्टर था हमारे पास वो था R1 क्रॉस M ओमेगा क्रॉस R1 प्लस R2 वेक्टर क्रॉस M ओमेगा क्रॉस R2 वेक्टर ठीक है ये है अब मैं यहां पे वैल्यू सब्सट्यूट कर रहा हूं तो R1 है मेरे पास ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप ये मैंने आर वन पुट कर दिया क्रॉस एम ओमेगा कैप क्रॉस फिर से पुट करना है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि यहां क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों दो के साथ तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई प्लस सेकंड टर्म इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके लिए आर टू वैक्टर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ए नीचे लिख लेते हैं। चलिए अब दूसरी टर्म फॉर दिस है हमारे पास माइनस ए कॉस आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप ठीक है इसको ब्रैकेट में रखा क्रॉस एम ओमेगा क्रॉस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप ब्रैकेट क्रॉस ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसान है आ, देखिए पहले ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे फिर इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है तो पहले हम इसको फर्स्ट टर्म को इज लिख लेते हैं अभी एक स्टेप में लाइक दिस क्रॉस ओमेगा ऐसे रहेगा नाउ आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो वो आपको पता है क्योंकि दोनों में एंगल जीरो डिग्री है साइन जीरो जीरो बट आई क्रॉस जे इज के तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होएगा तो एम ओमेगा ए साइन थीटा और डायरेक्शन i क्रॉस j इज k का ठीक है तो ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली टर्म हमने सॉल्व कर ली हुई है मैं उसको अलग कर लूं कि ये हमारे पास सॉल्व हो चुकी है यहां पे अब दूसरी टर्म देखना यहां पर भी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म को ये मैंने एज इट इज लिख लिया अभी ठीक है अब इसको भी सॉल्व करेंगे क्रॉस अब देखो एम ओमेगा तो रहेगा हमारे पास यहां पर भी आई कैप चाहिए ऐसे लिख लेते हैं तो एम ओमेगा ठीक है अब फिर से आई क्रॉस आई जीरो बट आई क्रॉस जे इज के बट नाउ आई है तो वो माइनस साइन जो है वो इस माइनस के साथ कट जाएगा बट अभी लिख लेते हैं माइनस ए साइन थीटा के कैप ठीक है क्योंकि आई क्रॉस जे इज के कैप और ये माइनस जो है वो मैंने यहां लगा दिया ओके okay, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करना है एक बार होगा आई क्रॉस के और एक बार होगा जे क्रॉस के ठीक है ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे करना है मुझे सॉल्व तो जब हम आई क्रॉस के करेंगे देखिए आई जे के अगर हम इस ऑर्डर में चलते हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में आई क्रॉस जे करते हैं तो के क्या पाता है जे क्रॉस के करते हैं आई आता है लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलते हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है वहां पे ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट का आ, ये रूल है जिसको हम कॉम्पिटेटिव रूल बोलते हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है दैट इज माइनस ऑफ क्रॉस ड्यू टू एंगल चलो तो अभी हमें वही देखना है आई क्रॉस के आई क्रॉस के आप ऑपोजिट ऑर्डर में चल रहे हो तो माइनस जे आएगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी एम ओमेगा ए स्केर थीटा साइन डेटा उसके साथ आ रहा है आई क्रॉस के इट इज माइनस जे का प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब जे क्रॉस के है जे क्रॉस के इज आई तो वो सीधा हो जाएगा एम ओमेगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा जे क्रॉस के जे क्रॉस के आई कैप ठीक है ये हो गया सॉल्व ओके okay. यहां पे ये माइनस कैंसिल कर देते हैं सारा प्लस बना देते हैं इसको ठीक है प्लस बना देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म यहां बनेगी थीटा कैप को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो पहले ए कॉस आई क्रॉस के नाउ अगेन यू कैन सी आई क्रॉस के इज माइनस जे माइनस जे का, ठीक है प्लस अब इस टर्म को हमने फिर इससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमारे पास आ जाएगा एम ओमेगा ए स्क्र बाकी हर जगह प्लस साइन है साइन स्क्वेयर थीटा जे क्रॉस के फिर से जे क्रॉस के इज आई क्या तो ये टर्म्स बन गई अब आप देख सकते हो टू टाइम्स हो जाएगा सेम तरह की टर्म्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट यहां पे बनेगा दिस इज इक्वल टू टू एम ओमेगा ए स्क्र कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आगे लगा देते हैं जे कैप प्लस टू एम ओमेगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा आई कैप ठीक है तो ये हमारे पास बच्चों यहां पे एल वेक्टर हमारे पास आ गया ठीक है इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे दिस कैन बी रिटर्न एज टू एम ओमेगा ए स्केयर कॉमन उसके साथ साइन थीटा भी दोनों टर्म्स में है वो भी कॉमन और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन एक एक साइन थीटा यहां से बचेगा तो साइन आई कैप माइनस यहां से आएगा कॉस थीटा जे कैप ठीक है जी तो दिस इज योर वेक्टर नाउ दिस वेक्टर हैज़ डायरेक्शन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड हम यहां से फाइंड कर सकते हैं जैसे कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हेयर एल वेक्टर इज अलोंग साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप दिस इज द डायरेक्शन ठीक है नाउ यू कैन सी दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू आर वन वैक्टर एंड आर टू वैक्टर ठीक है जो अभी हमने आर वन आर टू वैक्टर बनाए थे ना ये उन दोनों के ही परपेंडिकुलर है देखिए कैसे चेक करेंगे ये आर वन वैक्टर था हमारे पास ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप ये आर वन वैक्टर है और एल वैक्टर की डायरेक्शन जो है उसको मैं एल कैप लिख देता हूं सिंपली समझाने के लिए तो एल कैप इज एंग डायरेक्शन है साइन थी कैप माइनस कॉस हीटा जे कैप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप देखेंगे आंसर जीरो आएगा ये आ जाएगा ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस A, cos, theta, sin, theta, which be zero. अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब दोनों पर पेंडिकुलर ऐसे ही यू कैन सी कि भाई आर टू डॉट एल कैप आर टू वेक्टर जो अभी हमने लिखा था उसका अगर हम एल कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो भी जीरो आएगा तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो देर फोर एल वैक्टर इज पर टू अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो पेंडिकुलर होते हैं पर टू आर वन एंड आर टू वेक्टर्स ठीक है दोनों के ही वो परपेंडिकुलर है आर वन आर टू तो सेम ही डायरेक्शन में है ऑपोजिट है जस्ट तो उस लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब जो अभी हमने यहां रिजी रोटेटर माना था ये हमारी सिचुएशन थी दिस वॉज एंगल थीटा ठीक है तो इनके परपेंडिकुलर, मतलब लाइक like दिस एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस रोड है ना दिस वाज आर वन वेक्टर दिस वाज आर टू वैक्टर इनके अब आप देखिए जब ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा ये वाला पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो उसके साथ साथ ये जो एल वेक्टर है वो भी घूमेगा है ना क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा तो ये इसका एंगल थीटा है इसके साथ तो इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ सो आई कैन से L vector changing its direction as the rigid rotator is rotating about x axis, x axis about एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अबाउट ये आ, दोनों पार्टिकल जैसे घूम रहे हैं तो उनके साथ साथ ये जो L vector, आप इमेजिन कर लीजिए घूम रहा है इमेजिन करने की कोशिश करिए अब अगर एल वेक्टर चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है देन इट मीनस विच इम्प्लाइज दैट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एल वैक्टर बाय डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ नॉट जीरो जीरो नहीं आने वाला ये तब आता है, जब हो. की हो रही है तो इट इज नॉट कॉन्स्टेंट और अब हम अगर एल वैक्टर को डिफरेंशियट कर, कर दे तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है वो अभी हम फाइंड करेंगे तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं. ठीक है तो इक्वेशन ए इज गिविंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिडेटर इक्वेशन ए गिवस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड रोटेटर ठीक है अब बच्चों टॉर्क चाहिए इस केस में बिना टॉर्क के ये काम नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि डीएल वैक्टर बाई डी टी जीरो नहीं आ रहा हमारे पास एल वैक्टर चेंज हो रहा है तो जब भी एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा मतलब टॉर्क एक्ट करेगा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ठीक है जी तो अब हम उस टॉर्क को फाइंड करने वाले हैं उसके लिए हम सिंपल एक ट्रिक यूज कर लेंगे आसानी से हो जाएगा ठीक है नाउ टू फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड रोटेटर ये ना हम सिंपलेस्ट एग्जांपल से इस चीज को स्टडी कर रहे हैं रिजिड बॉडी के केस में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उस केस में भी ऐसा ही होगा अगर दो पार्टिकल्स के लिए ऐसा हो रहा है तो तो टॉर्क अब कैसे फाइंड करेंगे वी कैन यूज देखिए हमारे पास एक रिलेशन होती है वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर यहां हम वी को लिख सकते हैं डी आर वैक्टर बाई डी टी जो वेलोसिटी है उसकी पार्टिकल की एंड दिस विल बी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर नाउ दिस इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू दिस वन जस्ट एनालॉजी ले ली मैंने उस इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं ये वाला वेक्टर सेम है ना तो रोटेशनल मोशन के लिए ऐसे हम कर लेते हैं डी वेक्टर बाय बाई डी बन गया और इधर बन गया ओमेगा क्रॉस एल ये बन गया मेरे पास ठीक है बच्चों मतलब अगर आप डिफेसिएशन फाइंड करना चाहते हो तो आपको ओमेगा क्रॉस एल करना है तो ओमेगा तो मेरे पास है इट इज ओमेगा आई कैप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है एल वैक्टर के साथ तो एल वैक्टर मैंने अभी फाइंड किया था इट वॉज टू एम ओमेगा ए स्क्वायर ये याद भी करने एक्सप्रेशन टू एम ओमेगा ए स्क्वायर साइन थीटा और इसके साथ हमारे पास है साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप चलो तो ये हमारे पास इक्वेशन है अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर से i क्रॉस i विल बी जीरो i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप तो ये माइनस साइन भी साथ में आएगा तो रिजल्ट बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा अभी ना टू एम ओमेगा स्क्र ए स्क्र साइन थीटा ये वाला ऐसे ही रहेगा और इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे इज के क्या तो इसलिए यहां पर आएगा कॉस थीटा के क्या तो दिस इज डी एल वेक्टर बाय डी टी एंड दिस इज इक्वल टू टॉर्क तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है देयर फोर टोर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज माइनस टू एम ओमेगा स्क्र ए स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा के तो टॉर्क इज एक्चुअली एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस आप टॉर्क की डायरेक्शन देख रहे हो ध्यान से देखो टॉर्क की डायरेक्शन नेगेटिव मतलब के का मतलब जेड एक्सिस के अलोंग तो जैसे हमारे पास ये सिचुएशन थी आ, यहां पे एक पार्टिकल बनाया एक यहां बनाया हमने ये वाला एंगल थीटा रखा और इसमें एंगलोमेंटम हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है यहां ओरिजिन से ड्रॉ कर लेते हैं इट इज परपेंडिकुलर ये एल वेक्टर है ठीक है तो इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर टाइम पे जो टॉर्क है दैट इज इनवर्ड द स्क्रीन क्रॉस से टॉ वेक्टर सिर्फ इसकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब जैसे जैसे आपका एल वेक्टर घूमेगा वैसे वैसे टॉर्क भी घूमेगा और वो टॉर्क इस रॉड के ऊपर लग रहा है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर टॉर्क नहीं लगाओगे तो एल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी और इवन ये दोनों पार्टिकल इस तरह से फिक्स्ड एंगल थीटा पर एक्स एक्सिस के साथ घूम ही नहीं सकते तो बिना टॉर्क के ये पॉसिबल नहीं है एंड दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल नाउ वी विल डू ए स्पेशल केस वो स्पेशल केस से पहले एक नोट लिख लेते हैं पहले यहां पे जो अभी मैंने बताया आपको उसका मैं नोट लिख दू यहां पर देयर फोर टो वेक्टर इज नीडेड फॉर रोटेशन ऑफ रोटेटर एट एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर ठीक है जी ओके नो वट इज द स्पेशल केस स्पेशल केस हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि जो ठीटा एंगल है लेटर सपोज दैट ठीटा एंगल इज नाइनटी डिग्री मतलब पार्टिकल जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड है मैं यहां थोड़ा बना के दिखा दू जब पार्टिकल ऐसे ओरिएंटेड होंगे तो ये थीटा एंगल बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा वाई एक्स के अलॉन्ग ठीक है और उस केस में आप सोचो कि ये घूमेंगे कैसे दे आर रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस तो इस तरह से यहाँ एक सर्कल बना देते हैं हम ये सिचुएशन बन जाएगी पार्टिकल ऐसे घूमेंगे ठीक है और घूम एक्स एक्सिस अबाउट ही रहेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जो है मेगा वेक्टर वो हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेगी ठीक है ऐसे घूम रहे हैं तो उस केस में भी देखते हैं एल वेक्टर क्या आएगा ठीक है कब जब हमारा एंगल थीटा 90 degree बन जाएगा। particles इस तरह से घूमेंगे है ठीक है? है, है? वही ठीक अब दोनों particles का जो जो ये वाला, that will be fixed, तो इस तरह से जब घूमेंगे, उस केस में क्या दो तो वाली जो situation थी हमारी ये वही situation है। उस के ही आप दो पार्टिकल्स मान लो और जो पिछली सिचुएशन थी वो रिजिट बॉडी के दो पार्टिकल्स थे ठीक है? तो अब ये सिचुएशन है बच्चों कि एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है ठीक है जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये एक्स एक्सिस है अब पार्टिकल्स दोनों ऐसे पड़े हुए हैं वही ये आर वन वैक्टर ये आर टू वैक्टर ठीक है और ये इस तरह से घूम रहे हैं तो प्लेन लेमिना जैसे इसको इमेजिन करो अगर इस तरह से हमारे पास एक प्लेन लेमिना शीट हो ये उसके दो पार्टिकल्स हैं ठीक है और वो प्लेन लेमिना जो है वो इस तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है लाइक दिस इट इज नॉट ए रिजिड बॉडी ये प्लेन लेमिना है कैसा प्लेन लेमिना अगर मैं यहां पे y एक्सिस बना दूं इधर z एक्सिस बना दूं तो ये वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है सिंपली वाई जेड प्लेन में अब ये सिचुएशन बच्चे हम करने वाले तो उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा और l वेक्टर में थीटा को 90 डिग्री पुट करके देखते हैं क्या बनता है था थीटा तो साइन 90 आ जाएगा यहां था यहां फिर से था साइन थीटा तो फिर साइन नाइनटी आ जाएगा आई कैप माइनस कॉस नाइन्टी डिग्री क्या ये हमारा एक्सप्रेशन था तो कॉस 90 जीरो साइन 90 वन वन हो गया सॉल्व किया टू एम ओमेगा ए स्क्वायर आई कैप ये आंसर आ गया आपका मतलब एल वैक्टर भी जो है दैट इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्स तो एक्स के अलोंग है ना अब इस केस में एल वैक्टर भी जो आपका है बच्चों वो भी एक्स एक्सिस अलोंग आ गया अब अब टॉर्क भी देखिए इस केस में क्या होगा टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था वो ये था माइनस टू एमेगा स्क्र ए स्क्र साइन ठीटा इन टू कॉस ठीटा थीटा को मैंने नाइनटी डिग्री पुट कर दिया कॉस नाइनटी जीरो हो गया तो अब टॉर्क नहीं चाहिए टॉर्क जीरो, ठीक है जब दोनों पार्टिकल्स इस तरह से घूमेंगे मतलब प्लेन के केस में हमें टॉर्क नहीं चाहिए होता एंड एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग ओमेगा वेक्टर इन केस ऑफ प्लेन लेमिना प्लेन लेमिना मैंने वहां से फिर इस रिजल्ट को ड्राइव कर लिया कि अगर दो पार्टिकल्स के लिए ट्रू है तो इस प्लेन में अगर ये पार्टिकल वाई जेड प्लेन में जितने मर्जी पार्टिकल आप ले लो लेकिन प्लेन वाई ही होना चाहिए तो उस केस में एल वैक्टर और मेगा वैक्टर के अलॉन्ग होगा बट डिजिट बॉडी के केस में ऐसा नहीं होगा डिजिट बॉडी के, के केस में अभी मैंने जो दो पार्टिकल्स लिए थे वो बेसिकली वो दोनों पार्टिकल्स डिजिट बॉडी में से भी हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे मैंने अभी ये एंगल पर दो पार्टिकल्स लिए थे बच्चों ठीक है तो ये दोनों पार्टिकल आप इमेजिन करिए रिजर बॉडी के ही हैं और ये रिजर बॉडी जो है थ्री में है और ये ऐसे घूम रही है ये हमारा एक्स एक्सेस था तो तब ये उसके ही दो पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए एक पोजिशन वैक्टर आर वन पर और एक आर टू पर बट हमने सिंपलेस केस रिज रोटेटर का ले लिया और देखा कि इन दोनों पार्टिकल्स के लिए एंग्लोमेंटम इनके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं या लेंथ जो है इस रोड की उसके परपेंडिकुलर होगा एंग्लोमेंटम अगर दो पार्टिकल्स के लिए भी ओरिएंट नहीं है एक्स एक्सिस के साथ तो सारी बॉडी के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल नॉट बी अलोंग द एक्स एक्सिस कोई ना कोई एंगल होगा एक्स एक्सिस में और एल वैक्टर में यहां पर यह एंगल दो पार्टिकल्स के लिए हमने देखा इट वॉज नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा क्योंकि थीटा एंगल ये था हमारा टोटल ये 90 आ गया था इट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दिस इज द रोटेशन ऑफ एल वेक्टर अबाउट ए फिक्स एक्सिस जो फिक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है तो उसके अबाउट हमने बता दिया कि एल वेक्टर इस तरह से रोटेट करता है